Hey guys, welcome back to my YouTube channel. और आज की वीडियो शुरू हो रही है शाम से. गुड इवनिंग टू एवरी वन आउट देर. और अभी हम लोगों की तैयारी शुरू हो चुकी है धनतेरस महालक्ष्मी पूजा के लिए. और हम लोग यहाँ पे आए हैं बर्तन लेने. तो बर्तन लेने के बाद सुमन जी ने डिसाइड किया कि चलिए न्यू माँ लक्ष्मी को लेकर आते हैं जंक्शन मॉल दुर्गापुर से, जो कि दुर्गापुर की खूबसूरती है. एंड प्रेजेंटली वी आर नाउ इन जंक्शन मॉल दुर्गापुर. गाइज, इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं द ब्यूटी ऑफ दुर्गापुर, दैट इज़ जंक्शन मॉल सिटी सेंटर. और सिटी सेंटर में स्थित ये जंक्शन मॉल बहुत ही बड़ा सा एक बिगेस्ट मॉल है. और यहाँ पर आपको मूवी हॉल, रेस्टोरेंट, सारे कपड़े, बहुत ही ब्रांडेड स्टोर्स, बहुत ही ब्रांडेड ज्वेलरी के स्टोर्स, बहुत ही अच्छे अच्छे पार्लर्स और मसाज पार्लर भी मिल जाएगा. और बहुत अच्छा होता है यहाँ का एम्बियंस, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने से, क्योंकि यहाँ जब भी आते हैं हम लोग तो बहुत अच्छा टाइम जाता है. हम लोग आए थे जनवरी, 1 जनवरी के दिन आपके साथ शेयर किए थे. वैसे आते रहते हैं, दुर्गा पूजा के पहले भी आए थे, तो हमेशा तो अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाना, क्योंकि कुछ अपना प्राइवेट टाइम भी रहता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि यू आर माई फैमिली, माई यूट्यूब फैमिली, तो आपके साथ जो भी इम्पोर्टेंट मोमेंट्स है, जो भी हैप्पीएस्ट पल है मेरी ज़िंदगी के, जो भी कुछ कभी कभार एक आध बुरा भी हो जाता है, तो सब कुछ आपके साथ शेयर करना मुझे पसंद है. और ये जंक्शन मॉल दुर्गापुर शाम के टाइम में रात के 8 बजे का एम्बियंस है. माहौल कितना अच्छा है, और हर तरह से लग रहा है शॉपिंग वाला माहौल है. और यहाँ आने के बाद दुर्गा पूजा, द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ बंगाल, ख़त्म हो चुकी है. आपको नहीं फील होगा, लगेगा कि अभी भी फेस्टिवल चल रही है. तो दिस इज़ आवर ब्यूटी ऑफ दुर्गापुर, दैट इज़ जंक्शन मॉल सिटी सेंटर. और सिटी सेंटर में वैसे भी ट्रेंड्स में हम लोग जाते हैं. ट्रेंड एक मॉल है जो कि मम्मी लोग के अपार्टमेंट से होकर के गुजर के थोड़ी देर में ही आपको मिलेगा ट्रेंड्स. और अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग सुहट्टा भी जाते हैं. वहाँ पर तो मेरा जो ब्रांड कोलेब्रेशन था अनन्यास के साथ, तो उनका भी एक ब्रांच वहाँ पर है, लेमन ग्रास, तो उधर तो हम लोग जाते ही हैं. तो आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट टाइम. और ये मैं आई हूँ मेरा फेवरेट कॉर्नर यानी ज्वेलरी के पास. तो भगवान जी को लिए हैं, भगवान जी के लिए ज्वेलरी भी लेना है. तो ये ज्वेलरी देख रहे थे, यहाँ पे भगवान जी के ज्वेलर्स अलॉन्ग विथ हमारे भी ज्वेलरीज मिल जाते हैं. तो धनतेरस के दिन मुझे एक लुक क्रिएट करना है विच इज़ गोइंग टू बी क्वाइट गॉर्जियस. और उस लुक को सूट करने के लिए मुझे चाहिए कुछ ज्वेलरीज अलॉन्ग विथ गोल्ड. तो गोल्ड का तो अभी भी है, लॉकर में डाले नहीं है. दुर्गा पूजा से पहले सुमन जी जा करके ले आए हैं लॉकर से छुरा के, क्योंकि मेरी शादी में जितने भी गोल्ड मिले हैं वो हम लोग घर पर रखते नहीं है, लॉकर पर रखते हैं. तो इसलिए वहाँ से लेकर के आना पड़ता है. वो तो अभी भी है. और इस तरह आए हैं कुछ कॉस्ट्यूम ज्वेल के साथ, मतलब मैच किया हुआ ज्वेलरी भी चाहिए ना, तो इसलिए आए हैं. और यहाँ ज्वेलरी देख रही हूँ मैं, तो गोल्ड प्लेटेड कुछ लेंगे भगवान जी के लिए, ठीक है, गोल्ड प्लेटेड. और अपने लिए भी कुछ मैचिंग करके ज्वेलरीज मुझे लेनी है. और गॉर्जियस सेट मुझे चाहिए विच इज़ गोइंग टू बी क्वाइट हेवी, मतलब बहुत ही जंक और बहुत हैवी ज्वेलरी मुझे चाहिए, क्योंकि हैवी के बिना फेस्टिव लुक कंप्लीट नहीं होता है. और मुझे जनरली थ्रू आउट द ईयर मैं कैसे रहती हूँ, सिंपल टाइप का एक लुक बना के रखती हूँ, आपको देखने को मिलता ही है मेरे वीडियोस में. लेकिन जब फेस्टिवल आती है, जब मेरे घर में पूजा होती है या कभी फेस्टिव ओकेशन रहता है, तब मैं बहुत ही अच्छे से अपने आप को एक लुक देती हूँ. आप लोग लुक शेयर करने के बारे में बोल रहे थे ना, तो लक्ष्मी पूजा वाली लुक मैंने शेयर नहीं किया है, भूल गई थी, तो उसको शेयर करूँगी किसी वीडियो में.
और दुर्गा पूजा शॉपिंग जो कि दुर्गा पूजा से पहले सब लोग शेयर करते हैं, लेकिन मैं दुर्गा पूजा के बाद शेयर करूँगी क्योंकि आधे से ज़्यादा कपड़े तो मेरा पहनना ही नहीं हुआ है, अभी भी रखा हुआ है, पहनूँगी। अभी भी तो काफ़ी फेस्टिवल्स और ओकेशंस बाकी हैं ना, दुर्गा पूजा है, काली पूजा, दुर्गा पूजा चली गई है लेकिन काली पूजा तो आने वाली है, तो इसलिए हमारे यहाँ धनतेरस मेरे घर में होगी और ये फाइनली चॉइस किए हैं इस लक्ष्मी को, इनको हम लोग लेके जाएंगे। एंड शी इज़ मेड अप ऑफ मार्बल डस्ट, मार्बल के भगवान जी हैं तो ये मार्बल डस्ट से बने हुए हैं। तय कर लिया है इन्हीं को लेकर जाना है घर पे, और भी देख रहे हैं मेरे पतिदेव और भी ब्यूटीफुल शो पीसेस क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, और घर से जाने का शौक सिर्फ मुझे ही नहीं है, मिस्टर पॉल को भी, और ये अभी पेमेंट कर रहे हैं और मिस्टर पॉल हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं। और पक्का दूर से 2.5 घंटा मॉल में रहने के बाद हम लोग निकले हैं बाहर, और ये है मॉल के, जंक्शन मॉल के बाहर का एम्बियंस, और जंक्शन मॉल के बाहर का एम्बियंस भी बहुत ही अच्छा लगता है शाम के टाइम पे, क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ है बहुत ही अनगिनत सीढ़ियाँ यहाँ पर आपको मिलेंगी, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं, खाते रहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते रहते हैं, और अच्छा लगता है यहाँ बस बैठना, खड़ा होना अलॉन्ग विथ शॉपिंग, आपके पास इतना अच्छा मतलब एक बैठने का अरेंजमेंट है बाहर में, और काफ़ी एयरी सा यहाँ पे स्पेस है, मतलब हवा रहती है, हमेशा हवा चलती रहती है, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के, क्योंकि यहाँ का जो वाइब है पूरी तरह से पॉजिटिव वाइब है, क्योंकि यहाँ जो भी आता है ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने ही आता है। ये देखिए बच्चों के खेलने की जगह है, बड़ों के लिए बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट है, खाने पीने की काफ़ी सारी स्टोर्स है, रेस्टोरेंट्स है, छोटे मोटे आपको फास्ट फूड सेंटर भी मिलेंगे, और यहाँ पे पिज़्ज़ा हट हुआ करता था जो कि हट करके कहीं और चला गया है। शॉपिंग हो गया, हमारी मालाश्री वाली शॉपिंग कंप्लीटेड है, अभी धनतेरस के लिए तैयारी चल रही है, और हम लोग बैठे हैं जंक्शन मॉल दुर्गापुर, और ये है मेरे पतिदेव, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमें मज़ा आ रहा है। ये एक मिस्टर यहाँ 365 डेज के लिए खड़े रहते हैं, और हम लोग ना जब शादी किए थे 2019 में तब रोड के उधर रहते थे, उसको बोलते हैं फरीदपुर, वहाँ पे रहते थे, तब तो हमारा डेली आना होता था यहाँ पे डेली, तब मैं इतना एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे, और अभी थोड़ा सा दूर आ गए हैं इसलिए, पूजा से पहले शॉपिंग के लिए आए थे लेकिन उस दिन ज़्यादा मन नहीं किया वीडियो बनाने का, क्योंकि तब तो रश बहुत ज़्यादा था, दुर्गा पूजा का एक अलग ही वाइब चल रहा था, शॉपिंग का एक अलग ही वाइब चल रहा था, और अभी कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्राउड, थोड़ा सा मॉब कम है, उस तरह से क्राउडेड नहीं है जंक्शन मॉल, वैसे थ्रू आउट द ईयर जंक्शन मॉल बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है थ्रू आउट द ईयर, और हम लोग मज़े ले रहे हैं यहाँ के सुपर फैंटास्टिक एम्बियंस का, और बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर हैविंग रियली अ क्वालिटी टाइम टुडे। तो आज की शाम बना दी है मेरे हस्बैंड ने बहुत ही खूबसूरत और ख़ास, और इस शाम को एंजॉय कर रहे हैं आपके साथ, बने रहिए मेरे लिए।